जदयू ने अचानक खीरू महतो को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। कहते हैं नीतीश कुमार पार्टी या सरकार में बिना तर्क के कोई काम नहीं करते। आखिर क्या वजह रही कि खीरू जदयू के पसंद हो गए? आरसीपी सिंह की टिकट काटने के बाद जदयू ने झारखंड के कुर्मी नेता खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर झारखंड और बिहार दोनों जगहों के कुर्मियों को साधने की कोशिश की है। इससे बिहार में सीएम नीतीश कुमार अपनी जाति में एक संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ ही झारखंड में भी कुर्मी समुदाय में खीरू महतो के जरिए संदेश दे रहे हैं। खीरू महतो को राज्यसभा भेजने से झारखंड में जनाधार खो चुकी जदयू को ऑक्सीजन मिलेगी। झारखंड में जहां एक समय पार्टी के 5-6 विधायक होते थे, वहां बीजेपी से अलग होते ही जदयू का जनाधार छिटकने लगा। वर्ष 2009 में इसकी सीटें घटकर 2 हो गई। 2014 और 19 के झारखंड विधानसभा चुनाव में तो जदयू का खाता भी नहीं खुला। सीएम नीतीश कुमार और लल्लन सिंह झारखंड में पार्टी की इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। खीरू महतो आखिर राज्यसभा क्यों भेजे जा रहे हैं? इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि खीरू महतो समता पार्टी के समय से ही संगठन से जुड़े हुए हैं। वो पार्टी के साधारण और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वो गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेडीयू के प्रसार में खीरू महतो अहम रोल निभाएंगे। ललन सिंह ने कहा कि समता पार्टी के समय से ही झारखंड में हमारा संगठन बहुत मजबूत रहा है। झारखंड में हमारे 6-6 विधायक हुआ करते थे। खीरू महतो के राज्यसभा जाने से हमारा संगठन मजबूत होगा। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें अपनी पार्टी का विस्तार अलग अलग राज्य में करना है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में हम लोग 6 सीट जीते हैं। 2 सीट पर हम लोग नॉमिनल वोट से हारे। मार्च में नागालैंड में चुनाव होना है, वहां भी हम लोग मैदान में रहेंगे। झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। आपको बता दें खीरू महतो झारखंड में कुर्मी नेता है। खीरू महतो उसी कुर्मी समुदाय से आते हैं जिससे नीतीश कुमार है। 1853 में हजारीबाग में जन्मे खीरू महतो 2005 में हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। वे एक साधारण परिवार से आते हैं। खीरू महतो ने 1978 में मुखिया का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वे समता पार्टी के दौर से जदयू के साथ जुड़े हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जब भी अविभाजित बिहार में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर होते थे तो खीरू महतो से जरूर मिलते थे। खीरू महतो के नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खीरू महतो को झारखंड जेडीयू का अध्यक्ष बनाया था। किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं है और उन्होंने खुद भी आज अर्शद सिंह ने खुद भी बात किया है, तो कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है उनको तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, दो बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा दे दें बदल में। नहीं नहीं, तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले ना हो रहा है, वो तो जब तक समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब? तो बिल्कुल समय होता है उसके लिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी संगठन में क्या लगता है, उनको कुछ जगह दी जाए? नहीं है भूमिका पार्टी में, आप देखते हैं कितना जिम्मेवारी दी है। सब लोगों को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज, अभी की चीज नहीं। अभी सब तो आगे की चीज है, और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की? वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। नहीं नहीं, पिछली बार मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो प्रोपोर्शन जो आपको मिलना चाहिए था। पहले वाला बात और अब वाला बात कहे के लिए कर रहे हैं? तो क्या आप